शिक्षक साथियों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अखिल ज्ञान में स्वागत है। यह सामने एक प्रपत्र दिख रहा है जिसे मैंने सत्र 2022-23 में मासिक आकलन जो होना है उसके अंकों को और ग्रेड को भरने के लिए बनाया हुआ है। यह आपके बहुत ही काम आएगा। तो यह मासिक आकलन प्रपत्र हो गया कक्षा 1 और 2 के लिए, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में 3 ही विषय होते हैं। उस आकलन प्रपत्र में ग्रेड प्रतिशत अनुसार किस तरह भरे जाएंगे उसके लिए यह सीट बनाया हुआ हूँ। यह सत्र 2022-23 मतलब इस वर्ष के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी बहुआयामी प्रगति पत्रक है कक्षा 1 से 5 के लिए। यह इसका दूसरा पेज है। और मासिक टेस्ट के लिए प्रश्नों का ब्लूप्रिंट कक्षा 1-2 के लिए इस तरह से है। इन सभी प्रपत्रों पर फॉर्मेट्स पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा और ये सब आपको PDF के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा विवरण दूँ उससे पहले, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही यह चैनल पर पहली बार आए हुए हैं इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए, इसी तरह के प्रपत्र को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलें और सभी जानकारी आपको तत्काल उपलब्ध हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। ये है बहुआयामी प्रगति पत्र का प्रारूप। अभी हम जो बात कर रहे हैं मासिक आकलन के बारे में बात कर रहे हैं। जब त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक आकलन होगा तब भी मैं आपको फॉर्मेट उपलब्ध कराऊंगा। अभी हम मासिक आकलन की बात कर रहे हैं। तो कक्षा 1 और 2 के लिए 3 ही विषय होते हैं, इसलिए आपका ये विषय तो डैश हो जाएगा, काट दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मासिक आकलन होना है जो वो 6 महीनों में होना है, जुलाई में, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी। जो बीच के हैं आगे पीछे के वो त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक आकलन के लिए हैं। ये सब सूचनाएं तो आप तक पहुंच ही चुकी होंगी। यहाँ पर 3 विषय हैं। एक विषय में 25 अंक निर्धारित है एक माह में और 3 विषय का 75 अंक हो जाएगा। इसी तरह एक विषय 25 अंक तो 6 मासिक आकलन का 150 अंक और इसके 3 विषयों का 450 अंक। अर्थात हम लोग जो ग्रेड तय करेंगे, जो फार्मूला मैं बनाया हूँ वो 4 पूर्णांकों पर बनाया हूँ, 25, 75, 150 और 450। उसके बारे में आगे देखेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मैं अंकों का पूरा विवरण दिया हुआ हूँ। प्रत्येक माह मासिक आकलन जो कक्षा 1 और 2 का होना है उसके लिए यह ब्लूप्रिंट शासन द्वारा तैयार किया गया है। यह हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है, आप तक भी पहुँच चुका होगा। तो यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार हैं। प्रश्नों के प्रकार के अनुसार वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय, इस प्रकार कुल 15 अंक के 10 प्रश्न होंगे और इसके साथ ही 5 अंक मौखिक या गतिविधि पर दिए जाएंगे और 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य पर दिए जाएंगे। मतलब एक विषय का एक माह का जो आकलन होगा 25 अंक का होगा, यानी ये 10 प्रश्न के 15 अंक, 5 अंक इसके और 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य के, कुल 25 अंक जो वहाँ पर एक माह का मैं बता रहा था। अब आपको एक माह में मासिक आकलन में एक विषय के 25 अंक के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। अब उसे आपको भरना किस तरह है कि जिससे प्रगति पत्र या फर्द भरते समय दिक्कत ना हो, तो मासिक आकलन के लिए एक प्रपत्र मैं बनाया हूँ, इसे आप चाहें तो प्रिंट करा के रख सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसे PDF रूप में सभी प्रपत्र का फॉर्मेट दे दूँगा। आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों की संख्या के आधार पर इसे प्रिंट करके भर सकते हैं, स्टेपल करके रख सकते हैं। तो यह प्रपत्र जो मैं आपके लिए बनाया हूँ बहुआयामी आकलन अंतर्गत मासिक आकलन प्रपत्र कक्षा 1 और 2 के लिए है। 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ विद्यालय का नाम लिख लेंगे, संकुल और विकासखंड लिख लेंगे, माह का नाम जिस माह के अंत में आकलन किया जाना है, कक्षा 1 या 2 जो भी आएंगे। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, ये एक पेज जो है 15 बच्चों का एक माह के लिए रहेगा। तो आप अपने कक्षा 1-2 में दर्ज बच्चों की संख्या के आधार पर इसके प्रिंट आउट लेके बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम लिख देंगे, तो जैसे हिंदी विषय को हम देखते हैं तो वहाँ पर हमने देखा था ज्ञानात्मक समझ अनुप्रयोग के जो पूर्णांक 15 हैं उसमें जितना भी बच्चा पाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। मौखिक या गतिविधि के जो प्राप्तांक 5 पे हैं पूर्णांक पे, उसके प्राप्तांक यहाँ पर लिखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य के 5 के पूर्णांक में जितना पाएगा यहाँ पर लिखेंगे और तीनों का योग जो 25 का पूर्णांक है उससे जितना पाएगा इन तीनों का योग यहाँ पर लिख देंगे। इसका जितना भी ग्रेड होगा यहाँ पर लिखेंगे। ग्रेड के बारे में विस्तृत मैं अभी आपको शीट दिखाने वाला हूँ जो परसेंट के आधार पर मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह आप अंग्रेजी, गणित और इन तीनों के महायोग को यहाँ पर दर्शाएंगे।
प्रिंट कर लेंगे तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक 15 15 15 तो यहाँ पर 45 आ गया, ये 5 के 3 के 15 और ये 5 के 3 के 15 कुल 75 अंक के पूर्णांक पे यहाँ पर ग्रेड हो गया। अब ग्रेड परसेंट के हिसाब से कैसे निकाला गया उसको आपको दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मेट ग्रेड के लिए हो गया। बहुआयामी आकलन अंतर्गत मासिक आकलन हेतु ग्रेड फार्मूला प्राथमिक विद्यालय का कक्षा 1 और 2 के 3 विषयों और 6 मासिक टेस्ट के लिए। तो हमने वहाँ पर चर्चा किया ही था कि बहुआयामी जो प्रगति पत्र का प्रारूप था उसके अनुसार कि हमारे पास 25 पूर्णांक 75 150 और 450 वर्ष के अंत में इनका उपयोग होना है और ये हर महीने के लिए। तो उसके हिसाब से हम ग्रेड बनाए हैं। ग्रेड तो आपको पता ही है, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी और डी और ई होंगे और किस प्रतिशत पर निर्धारित है ये है। अब हम देखते हैं कि जब 25 पूर्णांक में जो प्राप्त अंक होंगे किस ग्रेड में कितना आ रहा है। ऐसा करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर दशमलव में आपके प्राप्त अंक आ रहे हैं तो उसको पूर्णांक में बदल लेंगे तो इसमें लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 23 से 25 ए प्लस, 20 से 22 ए, 18 से 19 बी प्लस, 15 से 17 बी, 13 से 14 सी प्लस, 10 से 12 सी, 9 डी में आएगा और 0 से 8 ई ग्रेड कहलाएगा जब पूर्णांक 25 होगा। 75 पूर्णांक मूल्यांकन के 3 विषयों के जो प्राप्तांक होंगे 75 पूर्णांक में से उसमें देखते हैं 69 से 75 ए प्लस, 61 से 68 ए, 53 से 60 बी प्लस, 46 से 52 बी, 38 से 45 सी प्लस, 31 से 37 सी, 25 से 30 डी, 0 से 24 ई ग्रेड होगा। मासिक मूल्यांकन के 1 विषय के सभी 6 मासिक मूल्यांकन के योग का प्राप्तांक यानी 6 माह का पूरा देखेंगे तो 150 पूर्णांक हो जाता है। तो वहाँ पर देखेंगे 137 से 150 ए प्लस, 122 से 136 ए, 107 से 121 बी प्लस, 92 से 106 बी, 77 से 91 सी प्लस, 62 से 76 सी, 50 से 61 डी, 0 से 49 ई ग्रेड होगा। महायोग जो होगा लास्ट में मासिक मूल्यांकन के 3 विषय के सभी 6 मासिक मूल्यांकन के योग का प्राप्तांक जो कि पूर्णांक 450 हो जाएगा। उसमें देखते हैं 410 से 450 ए प्लस, 365 से 409 ए, 320 से 364 बी प्लस, 275 से 319 बी, 230 से 274 सी प्लस, 185 से 229 सी, 149 से 184 डी और 0 से 148 ई ग्रेड होगा। इसी ग्रेड फार्मूला के आधार पे आप इस प्रपत्र को भर लेंगे। इस प्रपत्र को जब भर लेंगे तो वर्ष के अंत में बहुआयामी प्रगति पत्र के दूसरे भाग के ग्रेड को भर लेंगे तो आपका मासिक आकलन वाला भाग पूरा हो जाएगा। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक का जब समय आएगा तो इसका भी मैं प्रपत्र और फार्मूला आपके सामने ला दूंगा। ये सभी प्रपत्र का पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दे दूंगा। आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए और आराम से अपना मासिक आकलन पूरा करते हुए उसका दस्तावेजीकरण कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।